सुपरस्टार सलमान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट भारत की शूटिंग इन दिनों अबू धाबी में की जा रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि फिल्म भारत में वरुण धवन का एक कैमियो रोल होने वाला है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग आलिया बा जफर के निर्देशन में जोरों शोरों से चल रही है। और इसी बीच फिल्म के निर्माता अतुल अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें सलमान खान वरुण धवन की फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सलमान खान किसी एक्टर के लिए फोटोग्राफर बने हुए हैं। इससे पहले ही भारत के सेट से सलमान खान ने सुनील ग्रोवर की फोटो खींची थी, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। और इसी कड़ी में अब सलमान खान वरुण धवन की फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, सलमान खान के अलावा इस फिल्म में कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, तब्बू, सुनील ग्रोवर और जैकी श्रॉफ जैसे बेहतरीन कलाकार हमें देखने को मिलेंगे। वहीं पर ये फिल्म दक्षिण कोरियाई फिल्म ऑड टू माई फादर का हिंदी रीमेक है, जिसका बड़ी खूबसूरत तरीके से डायरेक्शन करते नजर आ रहे आलिया बा जफर। फिल्म भारत को साल 2019 के ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 8 नवंबर को रिलीज होने को बिल्कुल तैयार है। और अभी हाल ही में आमिर खान ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की डबिंग भी खत्म कर ली है। डबिंग खत्म करने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आमिर खान आखिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद कौन सी बड़ी फिल्म करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच आमिर खान के घर पर दीपिका पादुकोण, डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ राय कपूर आमिर खान के घर पर पहुंचे, जिसे देखने के बाद ये साफ साबित हो गया है कि आमिर खान दीपिका पादुकोण के साथ कोई बड़ी फिल्म करने वाले हैं। फिलहाल इस फिल्म का नाम और प्लॉट सामने नहीं आ पाया है कि दीपिका पादुकोण के साथ उनकी कोई बड़ी फिल्म बनने वाली है। आपको बताते चले, आमिर खान ने अब तक दीपिका पादुकोण के साथ काम नहीं किया। वैसे में आमिर खान के साथ दीपिका को ऑन स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए काफी ज्यादा मनोरंजन भरा होने वाला है।